हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और इस पर्टिकुलर चीज में बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एक ऑडिटर के रूप में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या क्या देखा जाए तो क्वालिटीज हैं आपकी जो आपको एक अच्छा ऑडिटर बनाती है। यानी एक ऑडिट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं कि भैया व्हेन एवर अ पर्सन इज गोइंग फॉर एन ऑडिट, वट काइंड ऑफ पर्सन दैट शुड बी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उस ऑडिटर के बारे में बताया हुआ है दोस्तों। और वो बताया गया है ऐसे 200 में। ऐसे 200 बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या है ये, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास AS आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऐसे 200 कहता है कि भैया हम आपको बताएंगे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में विच गवर्न एन ऑडिट। ये है ऐसे 200 में, तो आपको याद रखना है ऐसे 200 किस चीज का है, बेसिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न ऑडिट। तो इसमें बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, हम ऑडिटर की उस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं जो उसको सौंपी गई हैं, उसी के लिए प्रिंसिपल्स हैं ये। और These principles should be complied wherever audit is being carried on. जहां जहां audit हो रही होगी भैया तुम्हें इसका ध्यान रखना है। पहला point, integrity, objectivity। मेरे भाई तुम्हें as an auditor honest होना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि एक independent person के द्वारा किया जाने वाला काम है जो एक किसी unknown company के owners की एक तरह से रक्षा कर रहा है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कहीं उनके इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंच जाए, किसके द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा, तो उन ओनर्स को हमने रिपोर्ट करनी है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस व्यक्ति का ऑनेस्ट हो जाना, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी सच्चाई, उसकी सिंसियरिटी, इंपार्शियल होना, इंपार्शियलिटी हो कि भैया ना तो मैं ओनर्स की तरफ हूं ना तुम्हारी तरफ हूं, जो सही है उसे सही कहूंगा, जो गलत है उसे गलत कहूंगा, बिल्कुल एक जज की तरह जो कि अदालत में बैठा होता है। करेक्ट। सो एन ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, सिंसियर एंड इंपार्शियल एंड फ्री फ्रॉम बायसेस। बायसनेस नहीं दिखानी कि वो इसकी तरफ है और उसकी तरफ नहीं है। करेक्ट। और सच्चाई और ईमानदारी ये उसके क्या होने चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त पिलर होने चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों। राइट। दूसरी बात, कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो ऐसा होता है भाई, ऐसा कमियां हर जगह हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन कमियों को पता लग जाए तो दुनिया में ढिंडोरा पीटने लग जाए कि वहां पर ऐसा है, यहां पर ऐसा है, ऐसा है। नो। जैसे एक डॉक्टर को उसकी एक ड्यूटी होती है कि भाई अगर उसने, मरीज ने उसे अपनी बीमारी बताई तो वो उस बीमारी को किसी और व्यक्ति को डिस्क्लोज नहीं करेगा, अनलेस और अंटिल इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर दैट पेशेंट। एक डॉक्टर को बताया उसने कभी आपके इसके लिए मुझे सलाह लेनी पड़ेगी किसी दूसरे एक्सपर्ट की, तो उसको वो उसके बारे में बताएगा जी इसको ये बीमारी है, इसका कैसे इलाज करें, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन वो ये नहीं कि न्यूज पेपर में छपवा देगा देखो जी देखो इसको ये बीमारी है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी एक प्रोफेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे डॉक्टर के प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाने वाली इस ऑडिट में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। So, auditor should respect confidentiality of information acquired during the course of the work. और जब वो अपना काम कर रहा है, जो audit जाके कर रहा है, उसको और ऐसी कई बातें पता चलेंगी जो कि उस कंपनी के बहुत ही सीक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो उसे कहीं उजागर नहीं करेगा दोस्तों। ये उसकी confidentiality जो है, ये एक बहुत बड़ा principle है, major principle है for an audit. So he should not disclose the information without the prior permission of the client. Client से पूछना पड़ता है, और अगर ये उसकी लीगल ड्यूटी बन जाती है, यानी लॉ उससे पूछ रहा है, अदालत में जाके उसे कुछ बताना है, फिर तो उसको बताना ही पड़ेगा। या फिर जैसे मान लो कोई टैक्स की ऑडिट चल रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे पूछता है जी बताओ क्या करना है, इसका क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, तो उसे बतानी पड़ सकती है वो बात। लेकिन कई बार क्या होता है, एक जब भी एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो क्लाइंट का ध्यान रख के चलता है। राइट। लेकिन ये बात हो रही है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, उसको तो जो दिखेगा वो बोलेगा, भैया मुझे तो जो दिखाया गया मैं वो वहां पर बोलूंगा कि ये गलत है तो गलत लगा, मुझे सही है तो सही लगा, बताऊंगा।
फिर उसकी बात कि वो सही है या गलत, इसको करने के लिए कॉम्पिटेंस भी तो चाहिए। आपने कुछ किया, ये सही है या गलत, मैं एग्जामिनेशन करके बताऊंगा। और उसके लिए किसी भी चीज को हां या ना कहने के लिए, ठीक या गलत कहने के लिए मेरे दोस्त, स्किल जरूरी है, कॉम्पिटेंस जरूरी है। और वो कैसे आएगी? जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जगह कई जगह जाके ट्रेनिंग लेता है, एक्सपीरियंस लेता है, चार्टर्ड अपने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत सारी बातें सीखता है, तो वो कॉम्पिटेंस डेवलप करता है। नॉट ओनली दिस, बट अगर मान लो कोई लॉज में चेंज आ जाता है, जैसे जीएसटी में चेंजेस आए, पहले तो भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ और थे, अब जीएसटी आ गया, तो अब उसे करना क्या है भैया, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो जीएसटी में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है, जो प्रोनाउंसमेंट आ रही है, या आईसीआई कुछ बोल रहा है, भैया ही शुड कीप अब्रेस्ट विद दैट वेरी चेंजेस और डेवलपमेंट्स। तो ये उसकी ड्यूटी है कि अपनी कॉम्पिटेंस बरकरार रखे, स्किल को इंप्रूव करता रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एन ऑडिटर मस्ट एक्वायर और एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है। लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद, एक्सपीरियंस आ जाने के बाद भी भैया लर्निंग प्रोसेस जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। सो उसको कॉम्पिटेंट बनना है, स्किलफुल बने रहना है, देन ही शुड कीप हिमसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। कि आईसीए क्या बोलता है, ये सब अकाउंटिंग के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में, सब चीजें उसको क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, जब से आईएफआरएस आने वाले हैं, जैसे आईएफआरएस जब आएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो वहां पर तो बहुत चेंजेस आने वाले अकाउंट्स में। हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उसके लेवल पर लेते जा रहे हैं, चेंजेस लाते जा रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर भी। तो पहले आईएएस चलते थे, अब आईएफआरएस चलेगा हर जगह, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी इंटरनेशनल लेवल के। आज ये रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने कोई एसेट लिया आईएफ, तो भैया उसका डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, कि ओरिजिनल अमाउंट आ गया उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते रहे, एक परसेंट गिवन है, एक परसेंटेज गिवन है, हर साल आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मान लीजिए मान लिया, 10% माइनस करते रहे और शो करते रहे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आईएफआरएस पूरी तरह से आ जाएंगे दोस्तों, तो आईएफआरएस के अंदर ये नहीं होता कि भैया आप सिर्फ बुक वैल्यू को माइनस करते जाओ एक परसेंटेज से बस, नो, वो कहेंगे भैया ये तो बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कुछ और चल रही है, बुक वैल्यू कुछ और चल रही है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है। तो भैया जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका वैल्यूएशन कराओ, वैल्यूएशन कराने के लिए एक सर्टिफाइड वैल्यूअर को बुलाओ। यानी आज एक ऑडिटर को एसेट का वैल्यूएशन करवाना है तो उसके लिए सर्टिफाइड वैल्यूअर चाहिए होंगे, वो सर्टिफाइड वैल्यूअर आके इसका वैल्यूएशन करेंगे और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस सर्टिफिकेट में लिखी गई वैल्यू को यहां पर लिखा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसी तरह से मान लीजिए एक कंपनी ने एक लैंड लिया था बहुत पुराने समय में, अब वो लैंड वहां से लिया हुआ है, लैंड में डिप्रिसिएशन तो होता नहीं, तो भाई उस समय का वैल्यूएशन था 10 लाख रुपए, आज वो प्रॉपर्टी जो हो गई 20 करोड़ की हो गई है, कितना फर्क है। तो अब क्या उसका, इसका मतलब अगर कहा जाता है जी कंपनी के पास एक इतने एकड़ का लैंड है, उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, बताइए इज इट वर्थ वाइल टू शो? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपने आप ही ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे शो करेंगी भाई। तो आईएफआरएस जो आएगा ऐसी न जाने कितनी कमियों को दूर करने के लिए अपने एक्शन लिए जा रहे हैं वहां। अब बातचीत की जाती है यहीं पर ही कि भाई ये सब काम करेगा कौन, जैसे मैंने बताया वैल्यूअर करेगा, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इस ऑडिटर को हो सकता है किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन पर डिपेंडेंट रह करके अपनी कुछ बात कहनी पड़े। लेकिन इवन इफ दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सेपरेट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि कोई अलग है, उसी के द्वारा दी गई वो रिपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है यहां पर, लेकिन फिर भी वो इस रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। यानी अगर वो काम किसी और से करवा लेता है जो कि किसी कोई एक्सपर्ट उस चीज का है, फिर भी उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के बेसिस पर यहां पर जब वो काम करता है तो लिखी गई चीज के लिए वो जिम्मेदार माना जाएगा। यही एक प्रिंसिपल यहां पर एसेट 200 में बताया गया। ये पढ़े, वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, if the auditor delegates some work to the other to others and uses work performed by others including that of expert, he continues to be responsible for forming and expressing his opinion on the financial information।
उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए वो जिम्मेदार खुद माना जाएगा। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म है, उसके अंदर 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, बहुत सारे। अब इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो काम कर रहे हैं, मतलब कुछ जो है इंप्लॉई ना हो करके सिर्फ एक एसोसिएशन में बने हुए हैं, कुछ काम डेलीगेट कर दिया वहां पर। डेलीगेट करना एक अलग बात है कि उसके द्वारा किए गए काम को अपना शो करेगा कि हाँ जी हमने ये देखा, जिस फर्म का नाम है वो तो पार्टनर वही लिखेंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या, काम थर्ड पार्टी से कराया यानी अपने ही किसी एसोसिएट से कराया, लेकिन साइन खुद किए, तो भैया ये बाद में नहीं बोल सकता जी अगर उस काम में कोई गड़बड़ निकल आई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने तो जी थर्ड पार्टी से कराया था, अपने एसोसिएट से कराया था, ऐसा नहीं कह सकते आप। यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो भैया उस बेसिस पर जब आप कुछ लिख रहे हो तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, ये बात समझ के रखिए। फिर आती है बात डॉक्यूमेंटेशन की। एक बात बताओ कि ऑडिट को करने के लिए क्या मुझे एविडेंसेस की जरूरत है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या नहीं, इंफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है। अगर मेरे पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आएंगे तभी तो मैं अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाऊंगा, तभी प्रॉपरली मैं एग्जामिनेशन कर पाऊंगा, सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली ये काम कर पाऊंगा। तो मेरे पास जो एविडेंस आया भैया, उस एविडेंस के बेसिस पर मुझे इंश्योर करना है, मेरी ऑडिट तो उसी पर डिपेंड करती है। कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी जैसा इनपुट मिलेगा वैसे ही आउटपुट जाएगा। अगर मेरे पास एविडेंस गलत आएगा तो फिर मेरा हो सकता है ऑडिट का काम भी गलत हो जाए। तो यहां पर डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत मैटर करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने उन एविडेंस को जो चेक किया है वो अकाउंट, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिंग के, उनको फॉलो करते हुए किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए पढ़े डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एविडेंसेस। अब उसकी डिटेल भी बनाएगा, ये जो जो एविडेंस आए उनके अलग से डॉक्यूमेंट तैयार करेगा कि मैंने ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा, ये मैंने हर चीज देख ली, ये डॉक्यूमेंट ये इंफॉर्मेशन ये एविडेंस मुझे मिले, उनके बेसिस पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना रहा हूं कि मैंने इन इन चीजों को चेक कर लिया है। ऑडिट पेपर्स होते हैं, राइट, वर्किंग पेपर्स होते हैं, एजेंडा बनाते हैं हम अपना कि हमें ये चीजें चेक करनी है ये सब, और मैंने ये चीजें चेक कर ली, चेकलिस्ट बनती है। तो ये सब चीजें जो है एक तरह से अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, इंश्योर करती है ये चीज कि भैया हमने जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑडिट के उनको फॉलो किया है। अगली बात, मैंने बताया कि हमें चेकलिस्ट बनानी है, हमें ऑडिटिंग के वर्किंग पेपर्स बनाने हैं, क्यों बनाने हैं? मेरे पास कोई आर्टिकल, मैंने कहा जी ये सब चीजें चेक करके लाओ, ये पकड़ो चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब क्या है, ये आपने 20 चीजें चेक करनी है, अपना रिव्यू देखना है, टिक करना है, जो भी है लिखना है उसमें चेकलिस्ट में, और मुझे सबमिट करना है। मैं अगर अपने आर्टिकल को बोलता हूं कि जाके ये चेकलिस्ट तैयार करो सब कुछ ऑडिट करने के बाद ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब उसके लिए मैंने पहले से ही प्लान कर रखा होगा कुछ कि ये वाला आर्टिकल आएगा उसको मैं ये काम दूंगा, अपने ये वाले हिस्से को वो चेक करके मुझे वो सबमिट करेगा। भाई उस चेकलिस्ट को बनाने में भी तो टाइम लगेगा, उसकी भी तो प्लानिंग होगी, और मेरे पूरी ऑडिट का ये छोटा सा प्लान है, दिस इज वन ऑफ द प्लान। ऐसे न जाने कितने प्लान मैंने बनाए होंगे कि ये काम इनसे कराएंगे, ये काम इनसे कराएंगे, ये काम इनसे कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने अपनी ऑडिट को सही समय पर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मैनेजमेंट के अंदर दो ही बातें होती हैं, टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो हम यहां बेसिकली ऑडिट की तो मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अपनी चीजों को। तो अपने वर्क को मैनेज करते वक्त मुझे प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करते वक्त मुझे अपनी ऑडिट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए प्लान करते समय पहले देखना पड़ेगा कि भाई मेरे क्लाइंट का पूरा सिस्टम क्या है, उसका बिजनेस कैसा है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, वो कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करता है, और उसी के बेसिस पर मुझे अपनी इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक को देखना पड़ेगा कि मैं कैसे उसके इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करूं, कैसे अपनी इस पूरे की पूरी ऑडिट को प्लान करूं, पहले क्या करूंगा बाद में क्या करूंगा, इस
पूरी की पूरी प्लानिंग के बाद ही हमारी ऑडिट की शुरुआत होगी और उस प्लान के मुताबिक ही उस ऑडिट को किया जाएगा. दैट इज व्हाई प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट द ऑडिट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. ही शुड एक्वायर नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम. पहले अकाउंटिंग का सिस्टम देखो और फिर देखो कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, ताकि हम उसके जो उसका काम चल रहा है उसमें विघ्न डाले बगैर उसके इंटरनल ऑडिट भी कर लें या ऑडिट कर लें, जो भी कर लें. यानी उसके काम को रोके बिना हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं. ये नहीं कि वहां जाओ और सब कुछ डिस्टर्ब कर दो, ऐसा नहीं है. सो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फिर आती है बात एविडेंसेस की. आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं कि मैंने अगर कोई एसेट किया खरीदा, एसेट का मुझे क्या चाहिए, बिल चाहिए. इनवॉइस लाओ भैया, इनवॉइस. मैं तो आपके इनवॉइस को चेक करूंगा वाउचर से, वाउचर में आपने सेव अमाउंट डाला है कि नहीं डाला अकाउंटिंग वाउचर में. फिर वहां से जर्नल एंट्री चेक करूंगा, फिर देखूंगा वो लेजर में कहां गया, ट्रायल में गया, उसके बाद वो बैलेंस शीट में गया कि नहीं गया. उस पे का अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो भैया वो डेप्रिसिएशन आपने कैसे लगाया, पीएनएल में डेबिट किया कि नहीं किया, फिर उसे एसेट में से बैलेंस शीट में माइनस किया कि नहीं किया. अब साथ ही साथ ये अकाउंटिंग का काम तो कर लिया, मैं तो वेरीफाई करने भी पहुंच जाऊंगा. भैया तुमने दिखाया तो है मेरे भाई एसेट, अब जरा एक काम करो, अमाउंट तो दिखा दिया आपने लेकिन मुझे क्या पता कि आपने वो एसेट लिया कि नहीं लिया. यहां पर भी फ्रॉड होते हैं, दिखाते हैं हमने एसेट खरीद लिया, नकली इनवॉइस बना के दे दिया और दिखा दिया जी हमने पैसा लगा दिया, पैसा कहीं और लग रहा है. मैं उसे भी चेक करूंगा, मैं वेरीफाई करूंगा कि मेरे भाई वो एसेट तुम्हारे पास है भी या नहीं. एक काम करो, उस एसेट के ना पेपर्स ले आओ. आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अच्छा जरा उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ले आओ, उस डॉक्यूमेंट में चेक करो कि भैया ये ओनरशिप इनकी है या नहीं. जाके चेक करो भैया उस एसेट का इनके पास पोजेशन है या नहीं है. तो ये सब बातें चेक करने वाली होती हैं. वेरीफाई एसेट को, एक्चुअल वेरीफाई करना, ये एसेट है दिख रहा है मुझे, ये उसके पेपर्स हैं, ये उसकी एंट्री है, हां जी हां आई एम सेटिस्फाइड. इस लेवल तक जाना पड़ता है एक ऑडिटर को. सो ये है कहानी दोस्तों एविडेंस की. और ये तो छोटी से छोटी चीज का एविडेंस है, समझे कि नहीं. स्टेशनरी तक का बिल चाहिए मुझे, आपने स्टेशनरी का खर्चा किया, मुझे स्टेशनरी का बिल लाके दो, उसके बेसिस पर तुमने अकाउंटिंग वाउचर बनाया, उसके बेसिस पर मैं जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल एंड देन आई विल चेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड की आपने वहां दिखाया कि नहीं दिखाया, कितना दिखाया. ये सब है पूरे चेक्स दोस्तों. सो द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस एंड अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. क्यों मेरे भाई क्यों, टू एनेबल हिम टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन. और उसी के बेसिस वो पर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपना ओपिनियन बनाएगा कि हां मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ एग्जामिन कर लिया है. तो इसका मतलब आप देखो कि एविडेंस का कितना बड़ा रोल हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कितना बड़ा रोल हो गया मेरे भाई. सोचो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सपोर्टिंग वाउचर. इसको सपोर्ट करता है वो अकाउंटिंग एंट्री को सपोर्ट करता है, ठीक है. फिर उसके बाद वही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल पूरा का पूरा. अच्छा मैं अभी रिसेंटली एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल. स्टॉक पड़ा हुआ अंदर ही, मिठाइयों की दुकान है, हम जाते हैं. सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास, जाएंगे जहां हम गए, भैया एक किलो ये चाहिए, एक किलो ये चाहिए, एक किलो ये चाहिए, ठीक है जी इतना चाहिए. वो उसका बिल का एक एक रिसीट बना देगा. रिसीट बन गई, अभी मिला नहीं है, मिला नहीं है मेरे भाई, जाओ जी लेकर के पे कर दो काउंटर पे. अब हम वो पर्ची लेकर के जा रहे हैं काउंटर पे, लो साहब इतने रुपए का बिल बना ले लो. जो काउंटर पे बैठा है उसका और कोई काम नहीं है, उसका काम है जितने की पर्ची आई उतने का उसने बिल बना दिया, उसने कैश कलेक्ट कर लिया. जैसे ही कैश कलेक्ट करके उसने अकाउंट्स में एंट्री की, अच्छा मान लो शुरू से ही कंप्यूटर में एंट्री चल रही है, कंप्यूटर में उसने वो स्लिप निकाली, स्लिप निकली लेवल वन पार, लेवल टू पे पहुंचा, कैश पे किया, क्योंकि जैसे ही वहां से उसने
ये बिल जनरेट किया इनवॉइस, एक तरह से पहुंच गया कैशियर के पास, कैशियर ने जैसे ही उसका नंबर डाला क्योंकि स्लिप पे नंबर होगा, वो बिल निकल आया, पैसे लिए, पेमेंट की रिसीट दे दी। पेमेंट की रिसीट उसको मिल गई कि मैं तो एडवांस में पे कर दिया, अब अमाउंट तय हुआ पहले, उसकी पेमेंट हुई, लेकिन उसकी डिलीवरी कहीं और होगी, उसकी डिलीवरी कहीं और होगी। जी हाँ, वो तीसरे काउंटर पे जाता है, लो जी लो जी ये सामान दे दो भाई साहब। अब वहां से वो सामान लिया और बिल लिया, बिल के दो हिस्से थे, एक फाड़ के उसने अपने पास रख लिया, जी मैंने ये चीज दे दी। अब वो ले जाकर के जैसे ही बाहर जाएगा, एक चेकिंग काउंटर बना हुआ है, हाँ जी ये सामान लिया, उस पर लिखा डन, साइन किए बाहर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ये। अब कितना तगड़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि शुरू से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा प्रोसेस किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। इस एक ट्रांजैक्शन को नॉर्मली छोटी शॉप में क्या होता है, आप जाते हो कैश देते हो सामान ले लेते हो बात खत्म, एक ही बंदे के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी करे। लेकिन बड़े काम जहां होंगे बड़ी धांधली भी हो सकती है, इसीलिए पूरे काम को टुकड़ों में बांट दिया, एंड तक चेक्स लगा दिए। दिस इज व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक छोटी सी छोटा सा एग्जांपल दिया, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ज्यादा इंटरनल कंट्रोल के चेक्स लगेंगे, राइट। सो आज इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं और अकाउंटिंग की बात भी करूं, तो भैया यहां पर सब काम करने की, इस तरह के कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है कि कोई लूपहोल ना बचे, और उस चीज को चेक करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है, कोई गड़बड़ निकले तो उसे इंप्रूवमेंट के तरीके बताने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है, राइट। तो यहां ये सेम चीज अकाउंटिंग में भी आती है, अकाउंटिंग में भी आती है। सो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग का तरीका जो है प्रॉपर उनके पास होना चाहिए कि कैसे बिलिंग होती है, बिलिंग के बाद किस तरह से वो कैश लिया या दिया जाता है, उसके बाद किस तरह से आगे अकाउंट्स में एंट्री पहुंचती है, फिर किस तरह से उसके वाउचर क्रिएट होते हैं, वाउचर के साथ कैसे सपोर्टिंग वाउचर लगता है, फिर वो कैसे आगे जाके एंटर किया जाता है टैली में, ये सब प्रोसेस अकाउंटिंग के। सो मैनेजमेंट को ये सारा काम करना है, इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स अप्रोप्रिएट टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। आई एम रिपीटिंग इट, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, छोटी ऑर्गेनाइजेशन छोटा इंटरनल कंट्रोल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंटरनल कंट्रोल। नाउ द ऑडिटर हैज टू अश्योर हिमसेल्फ कि भैया जो अकाउंटिंग सिस्टम भी बनाया गया वो भी एडिक्वेट है, उससे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़ा सिस्टम होगा, ठीक है जी, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट टू सच अश्योरेंस, वहीं से पता लगता है। जैसे मैंने बिग बाजार का एग्जाम्पल दिया था, बिग बाजार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, फ्यूचर ग्रुप चलाता है, जो कि बैठा कहीं और है, और पूरे के पूरे इंडिया में उसके बिग बाजार के आउटलेट्स फैले हुए हैं। हर आउटलेट से बहुत सारा कैश आता है, बहुत सारा पैसा आता है, हर आउटलेट में बहुत सारा सामान अंदर जाता है, स्टॉक मेंटेन होता है। जरा सोचो कि ओनर नहीं है फिर भी कैसे मेंटेन हो रहा है मेरे भाई, जरा सोचो इस बात को। हजारों आर्टिकल्स हैं वहां पर, हजारों आर्टिकल्स, और लाखों यूनिट्स पड़ी हुई है उनकी, तो भैया कैसे जो है उसको मैनेज करोगे आप? इस चीज को मैनेज करने के लिए आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम करता है, फाइनेंस में भी, राइट। तो ये सब चीजें चेक करनी है किसे, अकाउंटेंट को। एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि कैसे वो बिल, कैसे वो पैसा आता है, कैसे उसकी रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर में हो जाती है, क्योंकि हर एक से लिखित में ले नहीं सकते अब आप, हर चीज कंप्यूटराइज्ड होगी, और कंप्यूटर भी ऐसा नहीं जो कि एक ही कंप्यूटर वो एक पूरे बिग बाजार में पड़ा हुआ है वहीं पर एंट्री है उसकी, भैया वो सीधा सर्वर से कनेक्टेड है, जो इंफॉर्मेशन डालोगे इमीडिएटली सर्वर में जाके, मान लो उनके 10,000 सेंटर्स हैं, 10,000 बिग बाजार स्टोर्स हैं, 10,000 स्टोर्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी एक जगह मैनेज हो रही है, इकट्ठे सर्वर में, यानी 10,000 कंप्यूटर अगर लगे हुए हैं तो 10,000 का डेटा, रियल टाइम डेटा उस सर्वर में इमीडिएटली एड हो रहा है। रांची के एक छोटे से एरिया में एक बिग बाजार ने अगर एंट्री की, वो सीधी यहां पर, दिल्ली के किसी बिग बाजार ने एंट्री की उसी टाइम, वो सीधा सर्वर में अपने आप ही डेटा पाइलअप होता जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
सो दिस इज हाउ अकाउंटिंग सिस्टम इज चेक्ड, दिस इज हाउ इंटरनल कंट्रोल इज चेक्ड कि भाई किस प्रोसेस से वो पैसा, किस प्रोसेस से वो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। अब आगे ये सब चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, लेकिन उनको भी चेक करने की जरूरत है। आज की डेट में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैप, ये जो अकाउंटिंग पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी नॉलेज नहीं है, तो भैया आज काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आज तो सर्वर्स का जमाना है, बुक्स का जमाना, लिखने का तो बहुत जमाना पहले चला गया, कंप्यूटर से भी अब आगे बढ़ चुके हो आप, अब आप क्लाउड सिस्टम पे पहुंच चुके हो। एक सिस्टम में नहीं होता डेटा, उस सिस्टम से सीधा क्लाउड में चला जाता है, वो वाले बादल नहीं, क्लाउड सिस्टम मतलब सर्वर्स में। तो ये है कहानी दोस्तों। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि ऐसे 200 कहता है हमारा, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। बेसिकली यही एक लास्ट प्रिंसिपल भी है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसी ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर जो आपने देखा उसी के रिव्यू को करके अपने कंक्लूजन्स आप देते हो, उसी कंक्लूजन में आप क्या देखते हो कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने अप्लाई करी हैं क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई की है कि नहीं। कंसिस्टेंटली अप्लाई करने का मतलब कि पहले आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे थे डेप्रिसिएशन का, अब आपने यूज कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू यूज कर रहे हो, अरे व्हाट इज दिस। आपको कंसिस्टेंटली प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, पॉलिसीज को फॉलो करना है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहे थे, पहले आप एट कॉस्ट कर रहे थे, अब आप कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवरेज लेस कर रहे हो, अरे भाई बार बार क्यों बदल रहे हो। सो यू हैव टू स्टिक टू वन अनलेस और अंटिल देयर इज डायर नीड फॉर दैट। अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो वो अलग बात है, उसके पीछे रीजन होना चाहिए उसे चेंज करने का, बट बार बार यू नॉट चेंज योर पॉलिसीज। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल की है आपने, जो भी आई है आपके पास, क्या वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट और रेगुलेशन से कंप्लाई करती है कि नहीं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वॉट एवर इज बींग गेन्ड, वेदर इट कंप्लाइज विद एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के जो लॉ कहता है, क्या उनके हिसाब से आपने की हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चेक करो। और जो मेटीरियल मैटर्स हैं विच आर रेलिवेंट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या वो आपने प्रॉपरली एडिक्वेटली डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं किए, इसी के बाद तो वो क्लीन रिपोर्ट या क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। सो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, जिसे पूरा करना बेहद जरूरी है, राइट। सो उसके ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई तुम अपना ओपिनियन हमारे सामने क्लियरली बता दो। और आज की डेट में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी, पुराने समय में तो कर देते थे गड़बड़ और लिख देते थे हाँ जी हाँ सब कुछ सही है, और डिपार्टमेंट वाले भी मान लेते थे हाँ जी हाँ सही है। लेकिन आज की डेट में अगर वो गड़बड़ पकड़ी गई तो भैया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिग्री है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। सोचो इतनी मेहनत से चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उसके बाद कुछ फ्रॉड में तब बिल्कुल मिल गया, झूठी रिपोर्ट बना दी, तो भैया आप तेरा सर्टिफिकेट ही कैंसिल, जा जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसीलिए डरते हुए आज की डेट में तो हर कोई क्या करता है, भैया जो चीज मुझे दिखी गलत दिखी तो मैं गलत लिख के दूंगा, मैं रिस्क नहीं ले रहा। तो ऑडिटर के ऊपर भी खासा डंडा है आज की डेट में, पहले नहीं था ये, कुछ भी चलता था पहले। सो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड कंटेन अ क्लियर रिटन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि भैया तुम्हारा ओपिनियन क्या है क्लियरली बताओ। क्लीन रिपोर्ट है तो क्लीन बताओ कि हाँ जी आप सेटिस्फाइड हो हर एस्पेक्ट से, ये भी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। और अगर क्वालिफाइड है या एडवर्स रिपोर्ट है तो भैया डिस्क्लेमर दे दो अपना ओपिनियन का कि जी मैं बाकी चीजों से सेटिस्फाइड हूं लेकिन इस चीज को मैं क्लेम नहीं करता, मेरा डिस्क्लेमर है ये, मेरी तरफ से क्वालिफिकेशन लगी हुई है यहां पर कि अगर ये क्लियर हो जाएगा तो मैं क्लीन रिपोर्ट दे दूंगा, मेरे डाउट्स हैं इसमें, मेरा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। सेम चीज मैंने आपको बताई थी, तो अपने ओपिनियन को रिजर्व करके रख सकता है ऑन एनी मैटर, और उसको ऑडिटर ऑडिटर को ये सब चीजें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी पड़ेंगी, समझे। यही है आपका ऐसे 200। और एक बात बता दूं आपको, आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा ये पूछ लें कि बताओ मेरे भाई कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट क्या होते हैं। सीधा ऐसे 200 भी पूछ सकते हैं, जी बताओ ऐसे 200 इसके बारे में ऑडिट के बारे में क्या कहता है,
ऐसे भी पूछ सकते हैं. सो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से कर लीजिएगा. हम मिलेंगे दोस्तों अपने अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय.